Hey guys, welcome back to my YouTube channel Kusum's Lifestyle. So how are you all? I hope कि आप सब मस्त होंगे and स्वस्थ होंगे. So आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ रिक्रिएटिंग मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ. सो ये जो रिक्रिएटिंग लुक है वो इंस्पायर्ड आलिया भट्ट मेकअप लुक होने वाला है, क्योंकि मैंने फोटोज़ देखी थी तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं भी ये वाला लुक ट्राई कर सकती. बहुत ही सिंपल सा लुक था, हाथ में भी बैंगल्स नहीं है, देन गले में भी कुछ वेयर नहीं है, नेकलेस कुछ भी वेयर नहीं किया, झुमका वेयर किया है, देन हेयर बन बनाया है, देन बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है एंड आई थिंक रिंग भी वेयर करी है, दैट्स इट. एंड ये लुक हमारा कंप्लीट होता है, भी सारी लुक है. सो मैंने सोचा वाई नॉट, ये लुक क्रिएट करना तो बनता ही है. तो मैंने यहाँ पर वेयर करा है दिस क्रॉप टॉप. आई डोंट हैव ब्लाउज इन दैट कलर, सो आई थॉट कि वाई नॉट ये क्रॉप टॉप भी वैसे भी इसमें काम आ ही जाएगा. प्लस बात करें साड़ी की तो यू कैन सी ये है साड़ी, साड़ी हल्की सी मैच हो ही रही, यू कैन सी. तो मैं यही वाली साड़ी वेयर करके ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ. एक और भी मेरे पास ऑप्शन था, यू कैन सी, बट ये हल्की सी ग्रीन शेड में है तो इसके साथ मैच नहीं हो पाएगी. सो मैंने उसको स्किप करके इसको इंक्लूड किया. होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहेगा. इफ यू आर स्टिल मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल. सो विदाउट डू एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड. बस हाँ, मेकअप लुक है. सो यहाँ पर मैं शुरू करने वाली हूँ फ्रॉम मॉइस्चराइजर. सो हियर आई हैव दिस पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर और यू कैन सी ये पूरा एम्प्टी होने आया है. तो मैंने इसको रिस्टॉक भी किया है. अगर आपने मेरे प्री बर्थडे गिफ्ट्स वाले पार्ट वन एंड पार्ट टू देखा होगा तो पार्ट वन में मैंने ये शेयर किया हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये दिलाया था. पार्ट थ्री भी बहुत जल्द आने वाला है, जो मेरे हस्बैंड ने ऑफलाइन शॉप से ही परचेस करके मुझे गिफ्ट दी है. सो उससे रिलेटेड वीडियो भी बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि अभी वो शूट करना बाकी है, क्योंकि वो थोड़े अभी बिजी है और वो मुझे खुद गिफ्ट दे रहे हैं. तो मैंने सोचा कि उनके साथ ही वीडियो में शूट करने वाले. ओके, सो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है. सो वन मिनट आपको वेट करना है, देन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है प्राइमर. सो फॉर प्राइमर हियर आई एम यूजिंग दिस NYBAE प्राइमर और वो प्री गिफ्ट में आप इसको भी देख सकते हो, क्योंकि उसने मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी गिफ्ट करा है. इतना स्मूद है ना, मतलब सिलिकॉन बेस्ड है. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ फाउंडेशन. तो फॉर फाउंडेशन हियर आई एम यूजिंग Maybelline न्यू यॉर्क फिट मी फाउंडेशन. आई एम द शेड 128. तो थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर ओके. सो इसके साथ में मिक्स करने वाली हूँ ये स्विस ब्यूटी का पॉल इल्यूमिनेटर शाइनर है, ताकि हल्की सी आपकी स्किन में शाइन आए, क्योंकि अगर आप वो आलिया भट्ट का मेकअप देखोगे तो उसकी जो स्किन है वो ऐसे शाइन कर दिए. सो दैट्स वाई. तो इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स. ओके, सो नाउ यू कैन सी एंड देन डॉटेड डॉटेड करके ऑल ओवर फेस पर इसको अप्लाई कर लेंगे. सो नाउ नेक्स्ट हियर आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर. इसको भी मैंने पर्पल से परचेज किया था, प्लस इसको मैंने वेट कर लिया, यू कैन सी. तो इसकी साइज देख सकते हो, डबल हो जाती है. अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. ओके, सो नाउ यू कैन सी कि अच्छे से ब्लेंड हो गया है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कंसीलर. सो हियर आई एम यूजिंग दिस NYBAE कंसीलर. सो जस्ट मैं अंडर आईज एंड अराउंड लिप एरिया ही इसको अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मुझे डार्क सर्कल से प्रॉब्लम्स नहीं है. सो हल्का सा मैं यूज़ कर रही हूँ. ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, सो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा आई मेकअप कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई एम यूजिंग दिस NYBAE आईब्रो पेंसिल. सो मेरी आईब्रो को फिल कर लेती हूँ. दिस विस ब्यूटी 32 कलर्स आई शेडो पैलेट. ओके, बेस शेड को लेकर आई लिड पर अप्लाई कर लूँगी. आलिया भट्ट का लुक भी देखोगे तो उसमें भी आई मेकअप इतना कुछ हैवी किया नहीं है, जस्ट लाइट वेटेड ही किया है. तो मैंने यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये ब्राउन शेड. आई लिड पर आप देखोगे तो आई मेकअप हल्का सा शाइन कर रहा है, तो यहाँ पर मैं शिमरी आई शेड अप्लाई कर लूँगी. सो दैट्स इट. सो फॉर आई लाइनर हियर आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी आई लाइनर.
ओके सो नेक्स्ट फॉर काजल हेयर आई एम यूजिंग दिस एन वाई बे कॉल काजल, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, मेक श्योर टू चेक इट आउट गाइज। ओके सो नेक्स्ट हेयर आई एम यूजिंग दिस मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। हमारा जो बेस है उसको सेट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें सेट मैंने अभी तक नहीं किया था, और उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेकअप ब्रश। सो फॉर कॉम्पैक्ट हेयर आई एम यूजिंग दिस मेबलिन न्यूयॉर्क कॉम्पैक्ट पाउडर। आई एम इन दिस शेड 128, सेम शेड ही है ब्लश। सो फॉर दैट हेयर आई एम यूजिंग दिस स्टे क्रुकी चिकी गर्ल ब्लश। स्माइली फेस बनाकर अप्लाई कर लेंगे। सो नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो निका के 9 का आई शेडो पैलेट है उसमें से ये जो सिल्वर शेड है हाईलाइटर शेड उसको भी मैं अप्लाई कर लूँगी। सो फॉर लिपस्टिक हेयर आई एम यूजिंग दिस टेक विर की मिनीज, क्योंकि इसमें से यू नो पिंक शेड मुझे अप्लाई करना है और पिंक लिपस्टिक मेरे पास नहीं है। सो फॉर लिपस्टिक हेयर आई एम यूजिंग दिस शेड नंबर 8, शेड नंबर 8। अलग अलग किट मिल जाएगी, तो ये जो किट है वो किट 01 है, यू कैन सी यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, बट मैं अभी हल्का सा पाउडर लेकर इसका टैप कर लूँगी तो अच्छे से यू नो सेट हो जाएगी। ओके सो नाउ यू कैन सी कि माई मेकअप इज डन। सो यहाँ पर हम इसको मेकअप फिक्सेस से ना सेट कर लेते हैं, तो शेक वेल बिफोर यूज। ओके सो नाउ नेक्स्ट बारी आती है हमारे हेयर को सेट करने की। यूपिन्स है जिसको मैंने शॉपी से परचेस किया था, तो इसको भी ये जो हेयर निकले हुए हैं ना उसको भी मैं सिक्योर कर लूँगी। मैंने रेडीमेड हेयर बन परचेस किया था, इसमें आलिया भट्ट ने वाइट फ्लावर वाला हेयर बन यू नो इंक्लूड किया हुआ है, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो डेट्स व्हाई मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। को भी हम यू पिन से सिक्योर कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर आई एम वेयरिंग दिस झुमका, हैवी झुमका है। यहाँ पर आई एम वेयरिंग दिस मिडल फिंगर में आई थिंक वेयर की हुई है, सो वायर कर लेंगे। कैन सी आलिया भट्ट ने वेयर करी है रून टाइप की बिंदी, सो हम भी इंक्लूड कर लेते हैं। So now you can see this is my final look. मैं आपको मिलती हूँ साड़ी रैप करने के बाद। ओके गाइस सो दिस इज माई फाइनल लुक, यू कैन सी यहाँ पर ये साड़ी का कलर सेम ही लग रहा है। सो लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, प्लस मैंने जो पिक्चर क्लिक करी है मैंने खुद ही करी है यू नो सेल्फी कैमरा से, तो आपको क्लिप यहाँ पर सारी देखने को मिल जाएगी। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रिक्रिएटिंग लुक कैसा लगा, अगर आप ऐसे कुछ रिक्रिएटिंग लुक देखना चाहते तो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन बॉक्स। आप मुझे पिक्चर भी यू नो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पर मुझे पिक्चर भी यू नो सेंड कर सकते हो ताकि मैं वो लुक क्रिएट कर सकूं। अदरवाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मैंने झुमका वेयर करा है, एंड देन यहाँ पे ये बिंदी, देन मेकअप में भी यू नो आईज में थोड़ी की सी शाइन दिख रही, तो दैट्स व्हाई ऐसे ही मैंने मेकअप किया है। देन जो अगर बात करें ये गजरे की, तो मैंने फोटो क्लिक की थी ना उसने सिर्फ ये वाइट ही दिख रहा है, तो अच्छा लुक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सेम टू सेम डिटो मैंने लुक क्रिएट करा। एंड देन यहाँ पर मैंने वेयर करी थी दिस गोल्डन रिंग, यू कैन सी, एंड देन ये बिंदी से लुक है वो ओवरऑल बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग लग रहा था। आई जस्ट लव दिस लुक। सो आप मुझे लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपको ये लुक कैसा लगा, प्लस आप कोई यू नो शादी अटेंड करने जा रहे हो, वेडिंग अटेंड करने वाले हो, सो आप इसमें ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। यू कैन सी मैंने हाथों में कुछ भी वेयर नहीं किया है, गले में भी कुछ भी वेयर नहीं किया, बट फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस झुमका बिंदी लिपस्टिक एंड दिस गजरा लुक है ना वो ओवरऑल माइंड ब्लोइंग लग रहा है, यू कैन सी। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल बेनिफिशियल एंड आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। इफ यस देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल। सो आप नेक्स्ट रिक्रिएटिंग लुक कौन सा देखना चाहते हो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।